बहुत से एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज और नोज पर इस तरह के टैटूज बने हुए होते हैं, स्पेशली एक फाइटर पर। इसकी शुरुआत भी ज्यादातर फाइटर रिलेटेड चीजों की तरह वर्ल्ड वॉर टू से ही हुई थी। ये कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती और उल्टा इसे कई सारी नेवीज और एयरफोर्स के द्वारा डिस्करेज किया जाता है। ज्यादातर टाइम्स में इन्हें किसी ग्राउंड क्रू मेंबर्स के द्वारा बनाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में इस तरह की एक फ्यूरियस ड्राइंग को देखने के बाद में ग्राउंड क्रू के मोराल को बूस्ट मिलता था। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में बहुत सारे आर्ट्स बनाए गए, लेकिन उन सब में से ज्यादा फेमस हुआ ये शार्क के मुंह वाला आर्ट। इस आर्ट को कई सारे एयरक्राफ्ट्स पर ही नहीं बल्कि शिप्स पर भी ड्रॉ किया गया था, और इवन आज के टाइम में भी यूएसए के एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर आपको ये ड्रॉइंग मिल जाएगी।